हेलो दोस्तों, मैं आदित्य पाल आज जेआरडी टाटा के लाइफ प्रिंसिपल्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। दोस्तों, साल 1965 में जेआरडी टाटा को कोलकाता के स्कूल टीचर से एक खत मिला। ये खत केसी भंसाली नाम के एक आदमी ने लिखा था। जेआरडी टाटा ने उस खत का जो जवाब दिया वो अपने आप में एक कहानी बन गई। केसी भंसाली ने अपने खत में जेआरडी टाटा की जिंदगी के प्रिंसिपल्स के बारे में जानने की बात लिखी थी। ये चिट्ठी जब जेआरडी को मिली तो उनकी उम्र 61 साल की थी और उनको टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने 27 साल का समय हो चुका था। इस दौरान जेआरडी टाटा ने भारत को उसकी पहली कॉमर्शियल एयरलाइन दे दी और उन्होंने टाटा मोटर्स की स्थापना भी कर दी थी। देश का पहला कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लान, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है, वो भी जेआरडी टाटा ने ही दिया था। जेआरडी टाटा उस समय करियर के उस मुकाम पर थे जहां एक मामूली स्कूल टीचर के खत को नज़रअंदाज करना उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन इसकी जगह जेआरडी ने टाइम निकाल कर एक अच्छा रिस्पॉन्स भंसाली को लिख करके भेजा। 13 सितंबर 1965 को जेआरडी ने लिखा, यूं तो मैंने अपनी जीवन के प्रिंसिपल्स खुद बैठ करके नहीं बनाए हैं, लेकिन अगर उन्हें लिखना ही हो तो इस तरह लिखा जाएगा कि जिंदगी में कुछ भी ढंग की चीज तब तक नहीं पाई जा सकती जब तक उसके बारे में गहराई से सोचा न जाए और कड़ी मेहनत न की जाए। दूसरी बात है कि हर आदमी को अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी और के बहकावे में आ जाना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि हर आदमी को एक्सीलेंस और परफेक्शन का पीछा करना चाहिए और किसी को भी सेकंड बेस्ट चीज से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। और आखिरी प्रिंसिपल्स है कि कोई भी सक्सेस और अचीवमेंट तब तक काम की नहीं है जब तक उससे देश और देश के लोगों का भला ना होता हो, और वो सक्सेस को सही तरीके से पाना भी उतना ही जरूरी है। जेआरडी का जवाब सिर्फ 200 शब्दों में था, लेकिन इन्हीं 200 शब्दों में उन्होंने अपने जिंदगी के सारे प्रिंसिपल्स लिखकर दे दिए थे। जेआरडी ने मैनेजमेंट का कोई भारी भरकम सूत्र नहीं दिया, बल्कि 200 शब्दों में बेहद आसान भाषा में लिखी गई अपनी एक साधारण सी बातें थी जिनका असर हमारी जिंदगी पर गहरा हो सकता है। जेआरडी टाटा ने यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल्स लिखे उन्हें हर एक आदमी अपने जिंदगी में उतार सकता है। हम में से हर एक आदमी कड़ी मेहनत करना चाहता है, एक्सीलेंस और परफेक्शन पाना चाहता है, और ये सब करने के लिए जेआरडी टाटा के इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारना बेहद जरूरी है। जेआरडी के ये प्रिंसिपल किसी किताब से ना निकलकर उनकी अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस पर आधारित है, और एक्सपीरियंस से बढ़कर कोई बेहतर टीचर नहीं हो सकता।